हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू डीएलके बायोलॉजी स्मार्ट क्लास एंड आई एम डीएल कुमार। नाउ टुडे वी आर डिस्कस इन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इन यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो एमसीक्यू है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए। तो नाउ वी स्टार्ट। देखिए, अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपन डिस्कस करें। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में स्टेमिन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन से है, और ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। केमिकल सबस्टांस प्रेजेंट इन द एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज। देखिए भी, जो पॉलन ग्रेन है उस पॉलन ग्रेन की जो एक्साइन है, एक्साइन वो किस प्रकार के सबस्टांस से बनी हुई है वो अपन बात करें। तो देखिए, अपनी यहां पर दो ऑप्शन सामने आ रहे हैं, हेमिसेलुलोज और सेलुलोज। अगर हम हेमिसेलुलोज एंड सेलुलोज की बात करें तो देखिए, अपनी जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो प्लांट की सेल वॉल हेमिसेलुलोज एंड सेलुलोज की बनी होती है। थर्ड ऑप्शन अपना पैक्टोसेलुलोज, और पैक्टोसेलुलोज जो है पॉलन ग्रेन की जो एंटाइन है वो पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। और लास्ट ऑप्शन है स्पोरोपोलेनी। देखिए, स्पोरोपोलेनिन की यदि हम बात करें तो ये पॉलन ग्रेन की एक्साइन होती है, और ये बहुत ही हार्ड एक कंटेन है जो कि कैरोटीनॉइड के ऑक्सीडेशन से और यूबिस जो बॉडी होती है उससे फॉर्मेटेड होता है। और स्पोरोपोलेनिन जो है पॉलन ग्रेन को जो फोसियल कंडीशन है उसमें बनाए रखने में हेल्प करता है, और जो स्पोरोपोलेनिन है इसका बायोटिक एंड फिजिकल डिग्रेडेशन नहीं होता है या ये अनडिग्रेडेबल कंपाउंड है, और इसी कारण से पोलन ग्रेन क्या होते हैं भी फोसियल कंडीशन में बने रहते। अपना राइट आंसर होगा यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें भी तो देख ली नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रीजन ऑफ जर्म पॉड द एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज। देखिए, पॉलन ग्रेन के एक्साइन से बाहर जो निकलती है वो कौन सा पार्ट है, वो किस तरीके की होती है। थिक आउटर मेम्ब्रेन होती है, थिन बहुत पतली एंड प्रीफॉर्मेटेड बनी हुई या एबसेंट। तो देखिये, इसमें सबसे पहले जो जर्म पोर है पोलन ग्रेन के, उनसे जो बाहर आती है वो एंटाइन आती है, एक्साइन नहीं आती, और वो बहुत ही थिन होती है, बहुत अत्यधिक पतली होती है। तो अपना राइट आंसर होगा भी थिन। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिये, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डाइथिकस एंथर। डाइथिकस एंथर किस तरीके से होता है भाई, मोनोस्पोरेंजिएट होता है क्या? नहीं होता है मोनोस्पोरेंजिएट, बाईस्पोरेंजिएट जिसमें दो स्पोरेंजिएट हो, टेट्रा स्पोरेंजिएट एंड लास्ट ऑप्शन अपना डिवॉइड ऑफ स्पोरेंजिएट। देखिए, जो अपन बात करें मोनो स्पोरेंजिएट जो होती है वो होती है मोनो स्पोरेंजिएट जो अगर अपन बात करें जिसमें पोलन जो सेक है वो एब्सेंट होता है, और केवल उसमें एक ही मोनोस्पोरेंजिएट होती है। बाईस्पोरेंजिएट जो होती है मोनोथिकस एंथर में होती है, और ये मालवेसी फैमिली में होता है, एंड डाइथिकस जो एंथर है वो टेट्रा स्पोरेंजिएट होते हैं जिसमें चार माइक्रो स्पोरेंजियम पाई जाती है, और ये मैक्सिमम प्लांट्स में प्रेजेंट होता है बेटा। तो टेट्रा स्पोरेंजिएट अपना यार राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो देखिये, यहां पर है पोलन ट्यूब इन प्रोड्यूस आउट ऑफ, पोलन ट्यूब किससे प्रोड्यूस होती है? तो अपन बात करें माइक्रोपाइल से। माइक्रोपाइल ओव्यूल का एक पोर है बेटा, और कार्पोपोर, कार्पोपोर जो है ये फ्लावर का पार्ट है। जर्म पोर जो है पोलन ग्रेन है, और गाइनोपोर ये भी एक फ्लावर का पार्ट है। और देखिए, पोलन ट्यूब जो है वो जर्म पोर से प्रोड्यूस होती है, और वो क्या होती है आउट होती है जर्म पोर से। तो यह राइट आंसर होगा अपना जर्म पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इन एंथर
माइक्रोस्पोर मदर सेल आर फॉर्म्ड इन एंथर माइक्रोस्पोर मदर सेल आर फॉर्म्ड। ये जो एंथर है उसकी माइक्रोस्पोर की जो मदर सेल है वो किससे बनी होती, ओनली बाई मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ओनली बाई माइटोसिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है बोथ ऑफ द बोथ बाई माइटोसिस एंड मियोसिस। एंड लास्ट है आइदर बाई माइटोसिस और मियोसिस। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इन एंथर माइक्रोस्पोर, एंथर की जो माइक्रोस्पोर मदर सेल आर फॉर्मेटेड और ये है भी ओनली बाई माइटोसिस। तो यहां अपना राइट, क्योंकि एंथर की जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो केवल और केवल जो स्पोरोजिनस सेल्स होती है उसके माइटोसिस डिवीजन से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोलन ट्यूब इज मेड अप ऑफ, पोलन ट्यूब किससे मेड अप होती है, तो स्पोरोपोलेनिन से नहीं, स्पोरोपोलेनिन जो है पोलन ग्रेन का एक्साइन कवरिंग है, पैक्टोसेलुलोज और पैक्टोसेलुलोज जो पोलन ग्रेन है उसका इंटाइन कवरिंग है। एंड लिग्निन की यदि हम बात करें तो लिग्निन जो है सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। एंड लिग्नोसुबेरिन की यदि हम बात करें तो लिग्नोसुबेरिन भी किसमें बना होता, भी ये भी होता है जो है सेल वॉल में। तो देखिए पैक्टोसेलुलोज जो कि एंटाइन होती है और एंटाइन से ही पोलन ट्यूब बनी होती है, तो पोलन ट्यूब किससे होती, पैक्टोसेलुलोज से बनी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोलन ट्यूब मर्जेंट आउट थ्रू द चर्म पोर फ्रॉम, तो देखिए भी एक्साइन ऑफ वेजिटेटिव सेल। नेक्स्ट ऑप्शन अपना इंटाइन ऑफ वेजिटेटिव सेल, एक्साइन ऑफ जर्मिनेटिव सेल एंड इंटाइन ऑफ जर्मिनेटिव सेल। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोलन ट्यूब मेरी कैर आउट थ्रू जर्म पोर, जर्म पोर से कहां से आउट होती है, तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, बता जी इंटाइन एंड वेजिटेटिव सेल से ये इंटाइन होता है, तो सेकंड ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें तो देखिए भी डिकम्पोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन इज प्रिवेंटेड बाई पेक्टीन, सेलुलोज, स्पोरोपोलेनिन एंड काइटिन। डिकम्पोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन इज प्रिवेंटेड बाई, जो पोलन ग्रेन है वो किससे प्रोटेक्ट रहते हैं या किससे सुरक्षित रहते हैं, तो वो है स्पोरोपोलेनिन, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि यही इनको बाय होस्टल कंडीशन में बनाए रखता, तो अपना राइट आंसर होगा स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें यहां पर तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नंबर ऑफ लेयर्स इन एंथर वॉल इज, एंथर वॉल में कितने नंबर्स होते हैं, तो इसमें कितनी लेयर्स होती है, देखिए भी अपन यहां बात करें तो फोर ऑप्शन है, थ्री है, टू है एंड वन। देखिए अपन एंथर की अगर स्ट्रक्चर बात करें और एंथर की स्ट्रक्चर जो एंथर वॉल है उसकी बात करें तो एंथर वॉल में फोर लेयर्स होती है, इसमें सबसे आउटर लेयर के रूप में एपिडर्मिस होती है, उसके बाद में मिड एंडोथीसियम होती है, फिर मिडिल लेयर होती है एंड टैपेटम। तो अपना फोर राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, क्या रहेगा भी, फोर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर, विच लेयर इन एंथर वॉल हेल्प इन डेहिशियंसी, डेहिशियंसी में या पराकोष के स्फुटन में कौन सा लेयर हेल्प करता है, तो देखिए एपिडर्मिस ये आउटर लेयर है, एंडोथीसियम ये सेकेंड लेयर है, टैपेटम ये इंटरनल लेयर है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, एंड मिडिल लेयर जो है ये मिड में होती है और ये भी न्यूट्रिशन है, एपिडर्मिस जो है वो प्रोटेक्शन देती है, और इसमें सबसे ज्यादा जो डेहिशियंसी में जो इन्वॉल्व होता है वो एंडोथीसियम होता है, क्योंकि एंडोथीसियम एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर की लेयर होती है और इसमें एक जब बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन हो जाती उस कंडीशन में एक फोर्स जनरेट होता है और उसी के फलस्वरूप एंडोथीसियम से
जो एंथर है उसकी डेहिशियंसी हो जाती है, तो एंडोथीसियम का ज्यादा रोल होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना भी, न्यूट्रेटिव टिश्यू इज द एंथर इज, न्यूट्रेटिव टिश्यू कौन सा है एंथर का, तो टैपेटम, सेकंड ऑप्शन है स्पोरोजिनस टिश्यू, एंड थर्ड है अपना स्टोमियम सेल, एंड लास्ट है बेटा एंडोथीशियम। देखिए टैपेटम यदि हम बात करें तो पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन यही प्रोवाइड करता है, और यदि पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट से बिफोर पोलन ग्रेन डेवलपमेंट यदि टैपेटम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, और पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करती है वो टैपेटम ही देती है। स्पोरोजिनस टिश्यू से जो है पोलन ग्रेन मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, स्टोमियम जो सेल्स है ये एंडोथीसियम में होती है, और ये एंथर की डेहिशियंसी में रोल प्ले करती है, एंडोथीसियम डेहिशियंसी में रोल है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपना राइट आंसर है वो है टैपेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लार्ज सेल इन पोलन ग्रेन इज, पोलन ग्रेन की लार्ज सेल कौन सी होती है, वेजिटेटिव सेल, स्पर्म सेल, जनरेटिव सेल, एंड लास्ट ऑप्शन स्टाल्क सेल। देखिए यहां पर जो पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन की जो लार्ज सेल है वो है वेजिटेटिव सेल, तो वेजिटेटिव सेल अपना आंसर है यहाँ पर, क्योंकि स्पर्म सेल जो है ये स्पर्म का बनाती है यानी पोलन ग्रेन बनाती है, जनरेटिव सेल है ये स्मॉल साइज की सेल होती है और पोलन ग्रेन में होती है, स्टाल्क सेल जो होती है ये डिफरेंट्स जो प्लांट्स या बॉडी और प्लांट्स ऑर्गन है उनमें एक स्टाल का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें यहाँ पर, और ये कह रहा है इन 60% एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन इज रिलेटेड एट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अपन डिस्कस करें कि ये 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन जो है पोलिनेशन कब हो जाता है, टू सेल्स स्टेज में, थ्री सेल्स स्टेज में, एंड फोर सेल स्टेज में, एंड वन सेल स्टेज में। ठीक है, 60% जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनमें टू सेल्स स्टेज में पोलिनेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, और जो 40% जो प्लांट्स है उसमें थ्री सेल स्टेज में पोलिनेशन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर है, क्योंकि 60% एंजियोस्पर्म में ये पोलिनेशन की क्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये है यहाँ पर है टू सेल स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें यहाँ पर तो वो है, इन एंजियोस्पर्म मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम, मेल गैमेट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो देखिए वेजिटेटिव सेल्स, नेक्स्ट ऑप्शन है ट्यूब सेल, एंड जनरेटिव सेल, एंड स्टार्क सेल। देखिए इन एंजियोस्पर्म मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द जनरेटिव सेल्स प्रोड्यूस करता है ये, तो देखिए यहां पर हो जाएगा जनरेटिव सेल, क्योंकि वेजिटेटिव सेल्स जो है वो पोलन ट्यूब जनरेट करती है, और ट्यूब सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल से बना है, तो अपना राइट आंसर होगा जनरेटिव सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें सॉरी, इट इज पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम ईयर्स इन, तो देखिए इट इज लिक्विड डिटर्जेंट, नेक्स्ट है लिक्विड नाइट्रोजन, एंड लिक्विड सल्फर, एंड लास्ट क्वेश्चन है लिक्विड कैल्शियम। देखिए इट इज पॉसिबल स्टोर पोलन ग्रेन इन लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज इन वेरियस, यदि हम किसी भी प्लांट्स के पोलन ग्रेन को बहुत लंबे समय तक उनको अपन प्रोटेक्ट करके रखें तो उसके लिए अपने पास क्या है, तो वो है लिक्विड नाइट्रोजन अपना राइट आंसर है। यहाँ लिक्विड नाइट्रोजन में हम -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, तो यहाँ अपना राइट आंसर है लिक्विड नाइट्रोजन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियोज में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे, और आप मुझे ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।